नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपके साथ में फरहा सदीकी। इमरान खान तालिबान का समर्थन कर अपने ही घर में बुरे फंस गए हैं और लोगों ने उनकी हेकड़ी निकाल दी है। लोग इमरान के खिलाफ ही मोर्चा खोलकर बैठ गए हैं, क्योंकि जिस तालिबान का समर्थन पाकिस्तान कर रहा है, उसी तालिबान ने पाकिस्तान के मासूम बच्चों का खून बहाया था। देखिए रिपोर्ट। पेशावर की वो घटना जो आज भी हर पाकिस्तानी की रूह कपा देती है। 2014 में हुई इस घटना में पाकिस्तान ने पेशावर में कहर ढाया और मासूम बच्चों को निशाना बनाया। तालिबान के इस आतंकी हमले में करीब 150 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई। अब तालिबान वही हिमाकत दोबारा ना करे, इसे लेकर लोग पहले ही अलर्ट हो गए हैं और तालिबान का समर्थन कर रहे इमरान खान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल पाकिस्तान के लगातार मिल रहे समर्थन के बाद तालिबान न केवल अफगानिस्तान पर कब्जा करने में कामयाब रहा, बल्कि पाकिस्तान जैसी सरकार चाहता था वैसी ही सरकार का ऐलान भी वहां किया गया। इन सब से पाकिस्तान सरकार क्या चाहती है ये साफ है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि पाकिस्तान के ही करीब आधे से ज्यादा लोग अपनी सरकार के एकदम उलट सोच रखते हैं। एक सर्वे में पता चला है कि करीब आधे पाकिस्तानियों का ऐसा मानना है कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आतंकवाद को बढ़ावा देगी, जिससे उनके बच्चों को पूरा खतरा होगा। तालिबान की वजह से पाकिस्तान में कानून व्यवस्था की स्थिति भी खराब होगी और ड्रग्स हथियारों की तस्करी को बढ़ावा मिलेगा। फ्रांस की मार्केटिंग कंपनी के सर्वे में ये पता लगाया गया कि पाकिस्तान के आम लोग तालिबान को लेकर कैसी सोच रखते हैं। सर्वे 26 अगस्त से 2 सितंबर तक 1020 लोगों के सैंपल पर आधारित है, जिसे 7 सितंबर को प्रकाशित किया गया, जिसमें 47% लोग सोचते हैं कि इससे पाकिस्तान में आतंकवाद में वृद्धि होगी और देश की कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए खतरे बढ़ जाएंगे। 19% को लगता है कि अफगान शरणार्थियों की बढ़ी हुई संख्या पाकिस्तान के लिए एक समस्या बन जाएगी, जबकि 16% का मानना है कि पड़ोसी देश से पाकिस्तान में ड्रग्स की तस्करी बढ़ेगी। 15% लोगों ने अफगानिस्तान से हथियारों की तस्करी में वृद्धि की आशंका जताई, जबकि 12% ने कहा कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पाकिस्तान में भी इस्लाम का प्रसार करेगी। पाकिस्तान का समर्थन कर रहे इमरान खान के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। एक सर्वे में पता चला है कि कई लोग तालिबान के आने से खुश नहीं हैं। पाकिस्तानी लोगों का कहना है कि तालिबान की सरकार आतंकवाद और ड्रग्स तस्करी को बढ़ावा देगी, जो देश के लिए खतरनाक साबित होगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।